अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग नोटबुक बनाकर पैसा कमाना चाहते हो, ऑनलाइन नोटबुक आप लोगों को रेडी करनी है, सिंपली उसको अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करनी है एंड आपकी बुक ऑनलाइन बिकती रहेगी एंड इस वेबसाइट पर ट्रैफिक भी अराउंड मिलियंस का है, तो आप लोगों को इस चीज से बेफिक्री होनी चाहिए कि भाई हमारी बुक बिकेगी कैसे, सेल आएगी भी या नहीं आएगी। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट रन तो हो रही होती है, ट्रैफिक तो आ रहा होता है, बट इस पर सेल नहीं आ रही होती। तो सारी चीजें प्रूफ के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पूरा पूरा काम सिंपल है, सारे के सारे स्टेप्स है, जस्ट आपने फॉलो करने हैं। अगर आप लोग सारे के सारे स्टेप्स वन बाय वन फॉलो करेंगे, पूरी वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे, तो इस वीडियो से जुड़ी वेबसाइट से पैसा कमाना आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बट जो लोग वीडियो स्किप करके आगे जाएंगे, स्टेप्स को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करेंगे, वो बीच में उनको ग्लिच आएगा और उनकी काम में भी मिस्टेक्स होंगी, जिस वजह से वो कमा भी पाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक पूरी वॉच करनी है, काम को पूरा का पूरा कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है एंड देन इसको स्टार्ट करना है। तो काम बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है। सिंपल एक वेबसाइट पर आप लोगों ने अपनी नोटबुक पब्लिश करवानी है। पब्लिश करवाने से पहले आपकी नोटबुक रेडी किस तरीके से होगी, सारी के सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। नोटबुक की पेजेस आप लोग कैसे ऐड करेंगे, अपनी नोटबुक का फ्रंट पेज एंड बैक पेज भी आप लोगों को अटैच करना है, तो वो आप लोग किस तरीके से रेडी करेंगे, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इसी वीडियो में गाइड करूंगा। काम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। डायरेक्ट मैं चलूंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आप लोगों को पूरा का पूरा काम बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को मस्त लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, बिकॉज मेरे चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आती हैं। सो जैसी कोई न्यू वीडियो आएगी आप लोगों को पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड आप लोग इजीली अर्ली वीडियो वॉच करके अपनी अर्निंग बनाने शुरू कर सकते हैं। एंड इफ आप लोग इस काम से पैसा कमा रहे हैं, सो मस्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें, काम को समझे और अपनी अर्निंग बनाने शुरू कर सके। सो लेट्स गो। आप लोग ये काम मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, मैं आपको लैपटॉप से परफॉर्म करके बता रहा हूँ। मोबाइल से ये काम करना सेम है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप पर एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे, ब्राउजर में एक टैब ओपन कर लेंगे, टैब पर आपने canva.com की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। canva.com की वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपने सामने सर्च फिल्टर लिखा हुआ होगा, सर्च बार होगा, आपने सिंपली इस पर नोटबुक टाइप करना है और एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल नोटबुक्स आ रही हैं, बट आप लोगों को अपनी नोटबुक के जो पेजेस होंगे वो सिंपल चाहिए होंगे, बिल्कुल सादे चाहिए होंगे, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस वाले चाहिए होंगे। तो आप इसमें से कोई भी अच्छी सी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लें। लेट सपोज मैं ये एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, बट ये प्रो वर्जन है तो मैं इस पर नहीं जाऊँगा, मेरे पास जो फ्री वर्जन होगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। लेट से मैं ये वाला कर लेता हूँ, बट ये भी प्रो वर्जन है। खैर एनीवेज, जो अच्छे लग रहे हैं वो प्रो वर्जन में है, जो नॉर्मल है वो फ्री है। बट अगर मैं ये देखूं तो ये भी एक ऐसी नोटबुक का पेज है जो अट्रैक्टिव है, नॉट बैड एट ऑल। सो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं इसको अपनी मर्जी से भी कुछ एडिट कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ। कोई अगर एडिशन करनी हो या फिर कोई चीज माइनस करनी हो तो वो भी मैं इसमें कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास मेरी नोटबुक का पेज शो हो गया है। अब अगर मैं इसको कस्टमाइज करके लेट सपोज इसको यहाँ से जस्ट अ नोट डिलीट कर देता हूँ और इसकी कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी बना के मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि और लाइंस आ जाएं इसमें, बिकॉज स्टूडेंट्स को जब नोटबुक चाहिए होती है तो उनको लाइंस की नीड होती है, एज कम्पेयर टू जो डिज़ाइन यहाँ पर लोगो टाइप बना हुआ था, तो वो मेरे लिए इतना यूजफुल नहीं था, तो मैंने उसको कर दिया डिलीट। और ये मैंने एक और यहाँ पे एडिशन कर दी। तो नाउ मेरा जो एक होम पेज है, जो एक सिंपल पेज होता है, वो बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे गैप्स थोड़े से कम है, हाँ अब परफेक्ट है, बट इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूँ। सो नाउ इट इज़ परफेक्ट। अब मुझे अपनी नोटबुक फॉर एग्जाम्पल 50 पेजेस की बनानी है, 60 पेजेस की बनानी है, 100 पेजेस की बनानी है, तो जितने भी पेजेस की मुझे बनानी है उस हिसाब से मैं यहाँ पे ऐड पेज कर लूँगा। जैसे ये मेरे पास सेकंड पेज ऐड हो गया, सेकंड पेज ऐड होने के बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। सही है, बहुत आसान है, ऐड पेज कर लिया। ये मेरे तीन पेज हो गए, ये चार पेज हो गए। मैं 5 पेजेस का आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे लेट सपोज मुझे 5 पेजेस की अपनी नोटबुक बनानी है, तो मेरे पास यहाँ मेरे 5 पेजेस रेडी हो गए हैं। अब मुझे इन पेजेस को पिक्चर फॉर्म में नहीं डाउनलोड करना है, मुझे इसको पीडीएफ फॉर्म में करना है, ताकि ये स्क्रॉलिंग जब करें तो पेज के बाद डायरेक्ट पेज ही आए। तो मैंने इस पर शेयर पर क्लिक किया, डाउनलोड पे गया। अब यहाँ पे मुझे PNG और JPEG दे रहा है एंड एज आई टोल्ड यू मुझे PDF फॉर्म में ये चाहिए, तो मैंने इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड करके अपने पास लैपटॉप में या मोबाइल फोन से काम कर रहा हूँ तो मोबाइल फोन में मैंने सेव कर लिया।
यहाँ पे मैंने पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर ली है। अब पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करने के बाद ये तो हो गई हमारी नोटबुक की इनर साइड। अब हमें नोटबुक की फ्रंट साइड और बैक साइड जो है वो रेडी करनी है, बिकॉज कोई भी नोटबुक आप देखते हैं तो उसके अंदर पेजेस तो खाली होते हैं, लेकिन पेजेस खाली होने के अलावा फर्स्ट पेज और लास्ट पेज भी होता है। बुक कवर भी आपने सुना होगा जो नोटबुक के एंड में होता है, और फ्रंट बुक का जो कवर होता है वो हमें जो है रेडी करना। इसलिए सिंपली हम वापसी कैनवा पर आएंगे और लिखेंगे नोटबुक फ्रंट पेज। फ्रंट पेज लिख कर हम एंटर कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल फ्रंट बुक की हमारे पास पिक्चर्स आ गई हैं, रेडीमेड पिक्चर्स आ गई हैं। तो हम इसमें से कोई भी अच्छा सा अट्रैक्टिव सी नोटबुक का फ्रंट पेज सिलेक्ट कर लेंगे, और जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है माय जर्नल, तो मैं इसको सिंपली क्लिक करके कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा। सो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरी नोटबुक का फ्रंट पेज रेडी होकर आ गया, कितना ही अट्रैक्टिव और कितना ही अच्छा लुक ये दे रहा है। अब अगर मैं इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहूँ, लेट से माय जर्नल की जगह मैं इसको कर देता हूँ माय नोटबुक, बिकॉज ज्यादातर इसको जर्नल कम और नोटबुक के नाम से लोग ज्यादातर प्रोनाउंस करते हैं, मैंने इसको माय नोटबुक करके इसको सेंटर में कर दिया। अब यहाँ पे ये राइटर का नाम बता रहे हैं, तो मैंने सिंपली इस पे अगर मुझे अपनी मार्केटिंग करनी है तो मैंने इसको शेख राकिब कर दिया, और इसका साइज और छोटा सा लिटिल बिट कर दिया, बिकॉज ये जस्ट हमें प्रमोशन पर्पस है, कोई एस सच नहीं है, तो हमने जस्ट इसका नाम छोटा सा शेख राकिब लिख दिया। तो यहाँ पर मेरे पास नोटबुक का फ्रंट पेज रेडी हो गया, मैंने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। अब मैं इसको जेपैक में ही डाउनलोड करूंगा, पीडीएफ में नहीं करूंगा, बिकॉज फ्रंट पेज एक ही लगता है, वो क्वांटिटी बेस्ड नहीं लगता। तो मैं सिंपली इसकी एक पिक्चर डाउनलोड कर ली अपने पास। सो यहाँ पर मैंने अपनी नोटबुक का फ्रंट पेज भी डाउनलोड कर लिया। अब रिमेनिंग है लास्ट पेज। सो लास्ट पेज हमेशा सिमिलर होता है फर्स्ट पेज के, फ्रंट पेज के। तो मैंने जस्ट इसमें क्या चेंजेस करनी है, माय नोटबुक को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और जस्ट इस टेक्स्ट को भी डिलीट कर दूंगा, एंड सिंपल इसी तरीके का डिजाइन रख दूंगा, अदरवाइज इस डिजाइन को भी मैं डिलीट कर दूंगा। तो अगर आप लोग एक नोटबुक क्रिएटर की मेंटालिटी रखते हैं तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि अब ये अपनी नोटबुक का लास्ट का पेज और लास्ट का बुक कवर जो है वो इजिली लग रहा है, प्लस रिलेटेबल भी लग रहा है, बिकॉज बुक का कवर पेज है, एंड का पेज है, तो उसमें टैग्स नहीं ही होता मोस्टली केसेस में, तो इस वजह से हमने टैग्स हटा दिया है, और सिर्फ ये सिंपल डिजाइन हमें अच्छा लग रहा है, हमने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। एंड अगेन हम इसको जेपैग में ही डाउनलोड करेंगे, मीनवाइल पिक्चर फॉर्म में डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ फॉर्म में नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आएगा कि आपने अपनी नोटबुक कैसे रेडी करनी है, नोटबुक का फ्रंट पेज किस तरीके से रेडी करना है, एंड अपनी नोटबुक का लास्ट पेज कैसे रेडी करना है। यहाँ पे आपकी नोटबुक कम्प्लीटली रेडी हो गई है। अब आप सबसे पहले उस वेबसाइट पर जिस पर काम करना है उसकी कंफर्मेशन स्कैम एडवाइजर पर करेंगे कि आइदर वो वेबसाइट ऑथेंटिक है, लेजिट है। तो आपने सिंपली इस वेबसाइट का ही नाम कॉपी कर लिया, कॉपी करके हम वापस स्कैम एडवाइजर में आए, और हमने स्कैम एडवाइजर से वेबसाइट का नाम टाइप करके सर्च करके मालूम करेंगे कि आइदर ये वेबसाइट ऑथेंटिक है, क्या ट्रस्ट स्कोर स्कैम एडवाइजर हमें बता रहा है। तो यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट नहीं, टोटल 100 out of 100 ट्रस्ट स्कोर बता रहा है इस वेबसाइट का स्कैम एडवाइजर। मीनवाइल ये वेबसाइट ऑथेंटिक है, लेजिट है, हम कंफर्टेबल होकर इस पर काम कर सकते हैं, प्लस अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 100% लेजिट है। तो हमने वापसी भी उसी वेबसाइट पर आ जाना है जिस पर हमें काम करने, वेबसाइट का नाम है पेहिप। आपने पेहिप टाइप करके एंटर कर देंगे तो इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, आपने सिंपली पेहिप पर क्लिक करना है। नाउ वो यहाँ पे आपको बोल रहे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, अगर आप लोगों का यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो लॉग इन करेंगे, अदरवाइज गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करके इस पे साइन अप कर लेंगे। नाउ मैंने यहाँ पर साइन अप कर लिया है, और साइन अप करने के फौरन बाद वो मुझे बोल रहा है टेल अस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ, नाउ दैट यू आर ऑल साइंड अप लेट्स विजुलाइज योर स्टोर। अब सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि आपको अपने स्टोर का क्या नाम रखना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा नाम रखें कि आप इसमें बेसिकली इस वेबसाइट में मल्टीपल कैंपेन्स अवेलेबल है जिस पर आप काम कर सकते हैं, आपका नाम कुछ ऐसा यूनिक और क्लियर होना लाजमी है जिसकी बेस पर आप ऑल ओवर कैंपेन्स पर काम कर सकें। तो मैं इस पर सिंपली रख दूंगा अपने स्टोर का नाम एस स्टोर, सिंपल एस स्टोर, अदरवाइज एक नाम और मेरे पास है शेख स्टोर, और मैं यहाँ पे रख दूंगा शेख स्टोर, दैट्स इट। और एक नाम और है दी,
दी शेक्स स्टोर। ये एक ऐसा नाम सुइटेबल और रिलेटेबल है कि मैं इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ नोटबुक की कैंपेन पर काम ना करना चाहूँ, नोटबुक के अलावा भी मल्टीपल कैंपेन यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, तो मैं नोटबुक के अलावा भी किसी और कैंपेन पर काम करना चाहूँ तो सिंपली मैं काम कर सकता हूँ। स्टोर का नाम मेरा ऐसा है, अपने नाम पर मैंने स्टोर का नाम रख लिया। सो यहाँ पर मेरे पास मेरे स्टोर का URL लिंक भी रेडी होकर आ गया है, payheap.com/shekhrakibstore। मैंने स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक कर देना है। सो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक कर दिया था, मेरी प्रोफाइल जो है वो कम्प्लीटली साइनअप हो गई है, बट प्रोफाइल कम्प्लीटली सेटअप नहीं हुई है, बिकॉज वो यहाँ पे बता रहा है यू हैव कम्प्लीटेड 25% ऑफ योर स्टोर सेटअप। आपने जस्ट 25% अपने स्टोर को सेटअप किया है, रिमेनिंग 75% स्टिल पेंडिंग है। मीनवाइल जो फर्दर आपकी डिटेल्स होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपने फुलफिल नहीं की हुई, तो आपने वो यहाँ पर अकाउंट्स पर आकर, अकाउंट्स में आके आप सेटिंग पे आएंगे तो अपनी सारी बेसिक डिटेल्स फुलफिल कर देंगे, तो ये आपका 25% जो स्टोर सेटअप है 100% स्टोर सेटअप हो जाएगा। अब यहाँ पे वो बता रहा है अगर आपने कस्टमाइज स्टोर डिजाइन करना है, अपने स्टोर की कुछ डिजाइनिंग करनी है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अपने स्टोर की डिजाइनिंग कर लेंगे, बट वो आपके ऊपर है आप करना चाहें या नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पर दो है, विच इज सेटअप चेकआउट, आपकी जो पेमेंट होगी वो आप किस तरह विड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास होने वाले सेकंड स्टेप। सो हमें सबसे पहले ये स्टेप को लर्न करना है कि एड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, आप सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड करेंगे, तो आपने सिंपली ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, और वो बोल रहा है आई विल डू इट लेटर, ऐड अ प्रोडक्ट आपने बाद में करना है या अभी करना है, तो मुझे अभी करना है, ऐड अ प्रोडक्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। सो ऐड अ प्रोडक्ट पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आप लोगों को अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर मल्टीपल कैंपेन्स पर काम हो रहा है, अगर आप लोग अपनी नोटबुक के अलावा किसी और कैंपेन पर काम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कम्प्लीटली डील आउट कर सकते हैं बंडल्स, ये मल्टीपल प्रोडक्ट जिसमें जैसे आपके पास कोई ऑफर होती है ना, जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आपके पास वहाँ पे सेल और ऑफर लगी हुई होती है कि आपने जैसे 1000 रुपये की शॉपिंग की है, 2000 की शॉपिंग की, तो आप लोगों को ये गिफ्ट मिलेगा, और आपके पास कोई डील होती है कि आप को 4-5 चीज़ें, ये सारी चीज़ें सिर्फ 1000 रुपये में मिल रही हैं, तो ये इस टाइप का बंडल है। अगर आप लोग चाहें तो आप इस पर काम कर सकते हैं, कोई बंडल अपना रिलीज कर दें, अदरवाइज कोचिंग की आप लोग अगर टीचिंग की सर्विस देना चाह रहे हैं वो कर दें, फिजिकल कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, लेट से अपने क्लोथ्स का या कोई फिजिकल गुड्स अपना आप सेल करते हैं, आपका ई कॉमर्स स्टोर है, तो उसकी भी लिस्टिंग आप यहाँ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक है, समथिंग अराउंड 1 मिलियन बट यहाँ पर ट्रैफिक है, तो अगर आप यहाँ पर लिस्टिंग की हुई किसी भी चीज़ की मार्केटिंग ना भी करें तो सिर्फ किसी वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक आ जाता है कि आपकी सेल ईजिली हो जाएगी, वो आपका एक सेल का क्या मार्जिन बनेगा वो भी मैं आप लोग को आगे चल के बताता हूँ। तो आपने यहाँ पर मेंबरशिप भी अगर किसी चीज़ की दे रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं, अगर आप कोई अपना कोर्स सेल करना चाहते हैं किसी भी चीज़ का वो आप कर सकते हैं। राइट ना हम काम करना है डिजिटल प्रोडक्ट पर, अपनी नोटबुक को सेल पर लगाएंगे, तो हमने सिंपली डिजिटल प्रोडक्ट पर क्लिक कर देना है। मैंने जितनी भी कैंपेन यहाँ पर अवेलेबल थी उनके बारे में ब्रीफ इंट्रो भी दे दिया है, अगर आप लोग इस कैंपेन के अलावा इनमें से किसी कैंपेन पर काम करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो मुझे फाइल्स में बोल रहे हैं अपलोड प्रोडक्ट फाइल, जो पेजेस मैंने PDF फॉर्म में डाउनलोड किए थे कैनवास से, वो सिंपली मुझे यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने वो PDF फॉर्मेट अपना अपलोड कर दिया है और यहाँ पर टिक बना हुआ नजर आ गया। अब वो बोल रहा है चूज अ टाइटल फॉर योर प्रोडक्ट, आपने अपने प्रोडक्ट का टाइटल बताएं क्या रखना है, तो मैंने इसका टाइटल लग गया नोटबुक फॉर स्टूडेंट, सिंपली मैंने अपने नोटबुक का टाइटल लग दिया। अब वो पूछ रहा है आपको अपनी प्राइस क्या रखनी है, अब यहाँ पे वो खुद ही मिनिमम सजेस्ट कर रहा है कि $5 की, ये वेबसाइट की अपनी भी एक अच्छी बात है कि वो आपको ये चीज़ सजेस्ट कर रहा है कि आप एक न्यू यूज़र हैं, न्यू सेलर हैं यहाँ पर, तो आप लोग अपनी प्राइस स्टार्टिंग में बिलो द बेल्ट ही जाकर रखें ताकि आप लोगों के पास सेल का रेशो बढ़े, आपके स्टोर पर अच्छे रिव्यूज़ बने। एक स्टोर जैसे आपका बिल्डअप हो जाता है तो आपके पास फिर सेल का इतना आप को वो नहीं देखना पड़ता कि यार सेल आ रही है सेल नहीं आ रही, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ऑनलाइन ई कॉमर्स के काम में। तो आप लोग अपनी जैसी प्राइस कम रखेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी सेल ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपली $5 ही मैं इसको USDT रहने दूँगा कि मेरे $5 की सेल हो, जब भी हो जैसे भी हो जितनी भी नोटबुक चाहे। अब लेट सपोज मेरी एक सेल होती है तो $5 आई, एंड नाउ अगर मैं इसको पर डे 10 सेल्स अपने कैलकुलेट करता हूँ तो
10 सेल्स के हिसाब से ये मेरी टोटल $50 बनते हैं, एंड अगर इसको पाकिस्तानी में कन्वर्ट करूँ $50 को, तो ये समथिंग अराउंड 15,000 समथिंग जो है आपके बन जाते हैं वन डे के वो भी, एंड अभी मैंने मंथली बेसिस पे बात ही नहीं की है। एंड ये तो मैं पर डे आपकी 5 सेल्स की बात कर रहा हूँ, चलो पर डे आपकी 5 सेल्स नहीं होती, विद इन अ मंथ भी आपकी 5 सेल्स होती हैं, तो क्या बोल रहे हैं आप को सिर्फ और सिर्फ 5 सेल्स के ₹15,000 मिल रहे हैं, वो भी एक सिंगल वेबसाइट पे विद इन 2 or 3 मिनट्स के काम के। प्लस मैं यहाँ पर एक बात ऐड करता चलूँ कि आपने ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट करके छोड़ दिया आपने, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सारी की सारी कैंपेन्स पर काम करें, और ऐसा नहीं कि सारी कैंपेन्स पर डेली बेसिस पर काम करें। एक कैंपेन के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट आज रिलीज कर दिया, अगले दिन नेक्स्ट कैंपेन के हिसाब से वो उसके रिलेटेबल नेक्स्ट कैंपेन से रिलेटेबल न्यू प्रोडक्ट जो है वो रिलीज कर दिए, अपने पास से पब्लिश कर दिए। सेम है सारी की सारी कैंपेन्स पर अपने डेली बेसिस पर काम करना है, तो यहाँ पर आप लोग बल्क प्रोडक्ट की भी लिस्टिंग हो जाएगी आपके स्टोर पर, सो आपके पास सेल्स रेशियो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने इस प्रोडक्ट की प्राइस भी रख दी है, एंड नेक्स्ट वो मुझे बोल रहा है कवर इमेज, मैंने अपने प्रोडक्ट की कवर इमेज जो है वो ऐड करनी है, तो मैं सिंपली वो दोनों इमेजेस यहाँ पर ऐड कर दूंगा जो मैंने फ्रंट पेज और लास्ट पेज ही डाउनलोड करके रखी हुई थी अपने पास, तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पेज की भी ऐड कर दी है, एंड देन मैंने यहाँ पे लास्ट पेज की भी ऐड कर दी है। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों कवर इमेजेस मैंने अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट वो बोल रहा है डिस्क्रिप्शन अपने प्रोडक्ट की, तो आप ये ChatGPT से भी निकाल सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ChatGPT पर आना है, उसको प्रॉम्प्ट देना है आई वॉन्ट टू सेल माई नोटबुक, गिव मी डिस्क्रिप्शन फॉर इट। एक चीज यहाँ पे ऐड कर दें, गिव मी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर इट। मैंने यहाँ पे सेल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर दी है, SELL कर दी है, SELL होती है। एनीवेज ये हमें सही हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्क्रिप्शन निकाल के दे देगा। हमने सिंपली इसको कॉपी करना है एंड अपनी वेबसाइट पर वापसी आना है। वेबसाइट पर वापसी आके डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और हम अपनी डिस्क्रिप्शन जो है पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप वो पूछ रहा है विजिबिलिटी के बारे में, आपको अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी रखनी है, विजिबिलिटी एंड स्टेप हमने सिंपली विजिबिलिटी रखनी है, इसके हमें सेल करनी है, दैट्स व्हाई रेडी टू सेलिंग योर प्रोडक्ट एट प्रोडक्ट तो है हमने कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास आगे प्रोसीड हो गया है, वेबसाइट ने हमारे प्रोडक्ट का URL हमें दे दिया है, एंड देन वो हमें बोल रहा है कि योर प्रोडक्ट नोटबुक फॉर स्टूडेंट वॉज एडेड सक्सेसफुली, हमारा प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुली एड हो गया है, शो मी माय प्रोडक्ट पेज। अगर मैं अपने प्रोडक्ट का पेज देखना चाहूँ तो इस पर सिंपली क्लिक करके अपने उसी प्रोडक्ट के पास जाऊंगा जो मैंने रेडी करके यहाँ पर लगाया है। अब आप इसके लुक वाइज देख सकते हैं मेरा प्रोडक्ट कितना ही अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। ये मेरा मेन टाइटल आ गया, ये मेरा प्राइस आ गया, ये मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये मेरा फ्रंट पेज आ गया, ये मेरा लास्ट पेज आ गया, और PDF फॉर्मेट जो है वो हमारे पास बिलो में रखी हुई है। वापसी में अपनी वेबसाइट पर आऊँगा, यहाँ पर हमने अपना काम भी पब्लिश कर दिया है। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप ये है कि हम हमारे पास विड्रॉ ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से अकाउंट्स के थ्रू हम अपने पास विड्रॉ करवा सकते हैं। एंड अगर आप लोग डैशबोर्ड पर आते के साथ ही देखें तो वो हमें बोल रहा है अपना फर्स्ट प्रोडक्ट आपने ऐड कर दिया तो आपको 25% स्टोर सेटअप से 50% हो गया है। अब आपने पेमेंट अपनी जो है वो सेटअप करनी है, चेकआउट अकाउंट, तो वो आपने आपसे सेटअप चेकआउट पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर टोटल आप लोगों के पास पेमेंट यहाँ पर 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, लिंक पेपैल अकाउंट, अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आपने सिर्फ अपना पेपैल अकाउंट जो है वो लिंक कर देना है, एंड इफ आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने अपने पास स्ट्राइक का अकाउंट जो है वो लिंक कर देना है जिससे आप अपनी पेमेंट विड्रॉ करवा सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी डिफॉल्ट करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे, USDT और पहले से ही हुआ है। यहाँ पर आप अपने स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें जो अपीयर होगी आपके कस्टमर बैंक अकाउंट में ताकि आपको पहचाना जा सके। तो यहाँ पर आपके पास जो भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हो, पेपर से आप करना चाह रहे हो, स्वैप से अपनी पेमेंट विड्रो करवाना चाह रहे हो, तो वो आप इन दोनों अकाउंट से करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर सेफ सेटिंग करके डन कर देंगे, योर पेमेंट डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड। ऑल दैट्स ऑल व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को काम पूरा अंडरस्टैंड होगा। या कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपली 3 स्टेप्स हैं इसके। एक आपने कैनवा पर काम करना है, सेकेंडली आपने वेबसाइट पर आना है, थर्ड आपने वेबसाइट की कन्फर्मेशन करनी है। कन्फर्मेशन आप ना भी करें बिकॉज मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में कंफर्मेशन करके भी दिखा दिया, बट अगर आप लोग खुद से चाहें और वेबसाइट की कंफर्मेशन करना चाहें तो थर्ड स्टेप आप लोग वेबसाइट की कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जस्ट कैनवा की वेबसाइट पर काम करना है, ChatGPT की वेबसाइट पर काम करना है, और जो वेबसाइट जिस पर हमें अपना काम अपलोड करना है
उस पर काम करना है। सो दैट्स इट, सारा का सारा काम इजी है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पूरी अंडरस्टैंड हो गई होगी, साथ ही साथ काम भी समझ आ गया होगा। सो यहाँ पे मैं वीडियो को करता हूँ दी एंड। आई होप आप लोग इस काम से पैसा कमा रहे होंगे और आप लोग इस काम करके पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। सो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ओके टाटा, अल्लाह हाफिज़।